हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल इन वन आर्ट एंड क्राफ्ट। आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उस तरह की वीडियो। जल्दी से शुरू करते हैं इस तरह की वीडियो बनाना। उस तरह की वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे 16:9 का रेशो और फिर उसमें सिलेक्ट कर लेंगे अपनी फ़ोटोज़। मैं यहाँ पे 9 से 10 फ़ोटो सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से कितनी फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हो। आप इन सारी फ़ोटोज़ को हम स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन सेट कर देते हैं। अब मैंने सारे फ़ोटोज़ पे स्टार्ट और एंड पोजीशन लगा ली है। अब हम इसमें ट्रांजेक्शन इफ़ेक्ट ऐड कर लेंगे। आप अपने हिसाब से कौन सा भी इफ़ेक्ट ऐड कर सकते हो। मैंने इन सारी फ़ोटोज़ में कवर वाला ट्रांजेक्शन इफ़ेक्ट ऐड कर लिया है। अब हम इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर देंगे। अब वो वीडियो बन जाने के बाद फिर से हम सेलेक्ट कर लेंगे 16:9 का रेशो और आप जो भी फ़ोटो बैकग्राउंड में रखना चाहते हो वो फ़ोटो हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं ये सारे फ़ोटो बैकग्राउंड में रखने के लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब इन सब में हम एक ट्रांजेक्शन इफ़ेक्ट ऐड कर लेंगे। मैंने इसमें ट्रांजेक्शन इफ़ेक्ट भी ऐड कर लिया है और ब्लर वाला भी एक इफ़ेक्ट ऐड कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे एक फ़ोटो। इस गॉगल वाली फ़ोटो का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इसे वीडियो तक बड़ा कर लेंगे और इसे क्रोमा के में जाके इनेबल कर लेंगे और हमारा क्रोमा की का कलर ग्रीन रहना चाहिए। हमारा क्रोमा की वाला कलर पहले से ही ग्रीन है, तो अब हम इसे थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो यहाँ पे गॉगल ठीक लगेगा। अब इस वाले वीडियो को भी हम कर लेंगे एक्सपोर्ट। ये वीडियो एक्सपोर्ट हो जाने के बाद फिर से हम सिलेक्ट कर लेंगे 16:9 का रेशो और अब हम सिलेक्ट कर लेंगे एक ब्लैक बैकग्राउंड और उस पर हम सिलेक्ट कर लेंगे अभी हमने जो वीडियो बनाया था वो वाला वीडियो। और अब हम इस वीडियो को कर लेंगे फुल स्क्रीन और अभी से क्रोमा के का कलर ब्लू करके इनेबल कर लेंगे और फिर हम जाएंगे मीडिया पे और इस वीडियो से पहले हमने जो वीडियो एक्सपोर्ट किया था उस वीडियो को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ऐसे सेट करके इसे सेंड टू पैक कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से वीडियो देखेगा। आप चाहे तो यही वीडियो दूसरे साइड वाले गॉगल में भी डाल सकते हो, लेकिन मैं वहाँ पर ये वीडियो नहीं डालूँगा। मैं वहाँ पर हैप्पी बर्थडे लिख के थोड़ा डेकोरेशन करूँगा। तो इसके बाद हम लेयर पे जाके टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे मैं लिख दूँगा हैप्पी बर्थडे। ये हो गया हैप्पी और ये हो गया बर्थडे। अब हम इसे थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे इस तरीके से सेट कर देंगे और इसे थोड़ा सीधा करके अब फ़ोन पे जाना है, यानी कि जहाँ पे डबल ए लिखा है वहाँ पे जाके आप अपने हिसाब से आपको जो फ़ोन पसंद होगा वो सिलेक्ट कर लीजिए। अब हम इसे और थोड़ा डेकोरेट करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे एक केक। उसके लिए आपको लेयर पे जाके स्टिकर्स पे जाना होगा और आपको डाउनलोड कर लेना होगा पहले से ही बर्थडे वाला स्टिकर का पैक। वो मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है। अगर आपके पास वो डाउनलोड किया हुआ नहीं होगा तो आप मोर पे जाके उसे डाउनलोड कर सकते हो, गेट मोर पे जाके। वो तो मैं कुछ इस तरीके से ये वाला केक सेलेक्ट कर लूँगा और इसे सेट करके सेंड टू बैक कर दूँगा कुछ इस तरीके से। और हमने जो फ़ॉन्ट सिलेक्ट किया था उसका कलर मैं बाद में थोड़ा सा चेंज कर दूंगा।
अब हम इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे और एक्सपोर्ट करने के बाद इसमें हम एक इफ़ेक्ट ऐड करेंगे। अब हम फिर से सिलेक्ट कर लेंगे 16:9 का रेशो। अब और हमने अभी जो वीडियो एक्सपोर्ट किया था उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे और उस पर एक टेम्पलेट ऐड कर देंगे। इस टेम्पलेट का वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और इसे आप फुल स्क्रीन करके इसे हम ब्लेंडिंग पे जाके इसे कर देंगे स्क्रीन। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये इफ़ेक्ट दिखने लगेगा। और ये वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद हम एक्स्ट्रा जो पार्ट बचा है टेम्पलेट वाले वीडियो का वो हम कट कर लेंगे और देखिए कुछ इस तरीके से ये वीडियो बनाए। अब इस वीडियो को हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। अगर आपको मेरे आज की वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।